हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मम्मी का चैनल होम मेकर टू व्लॉगर। बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम मेकर टू ब्लॉगर। आज है संडे और बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, जैसे कि अभी आपको कृष्णा ने दिखाया था कि बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रखा है। और आज कृष्णा के पापा का एग्ज़ाम है, तो वो आज एग्ज़ाम देने के लिए निकल गए हैं और घर पर हम और कृष्णा हैं। तो आज हम दिन भर का रूटीन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं भगवान जी के लिए फूल तोड़ कर लाई हूँ। आज बहुत सारे गुड़हल के फूल खिले हुए थे, तो यहाँ पे मैंने भगवान जी के लिए फूल तोड़ लिए हैं। और अब मैं दिया बत्ती करूँगी। यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है। जो भी मैं फूल तोड़ कर लाई थी बाहर से, वो मैंने यहाँ पे भगवान जी को चढ़ा दिए हैं। फूल चढ़ाने के बाद भगवान जी का मंदिर और भी सुंदर लगने लगता है। तो यहाँ दिया लगा दिया है, आरती कर दी है। तो मेरे घर में दो मंदिर हैं। ये मंदिर तो जो मेरा खुद का मंदिर है वो है, और मैं आपको भी दूसरा मंदिर दिखाती हूँ जो इस रेंटेड वाले घर में हमें अलग से मिला है। तो यहाँ मैंने दिया बत्ती कर दी है और अब मैं आपको दूसरा मंदिर दिखाती हूँ। ये है मेरा दूसरा वाला मंदिर जो हमें यहाँ पे बना हुआ मिला था। तो यहाँ पर भी मैंने पूजा कर दी है। साइड में यहाँ राधे कृष्ण भगवान है, गणपति बप्पा और लक्ष्मी मैया की मूर्ति है। यहाँ तिरुपति बालाजी भगवान है और राधे श्याम भगवान जी हैं। और यहाँ पर भी मैंने कुछ फूल अर्पित कर दिए हैं भगवान जी को। यहाँ पे भी राधे श्याम भगवान जी हैं। तो ये है मेरा दूसरा वाला मंदिर, आप भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, तो कृष्णा मेरी हेल्प कर रहा है। सोफे पे सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तकिया वगैरह सब इधर उधर पड़ा हुआ है और पूरा उस पर जो कवर है वो इधर उधर बिखर गया है। तो यहाँ पे कृष्णा मेरी हेल्प कर रहा है। और यहाँ पर बेड भी बिखरा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम दोनों मिलकर बेड ठीक कर रहे हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अभी अभी बेड ठीक किया था और कृष्णा ने यहाँ पे जंप करना स्टार्ट कर दिया है। तो हर घर में जहाँ पे भी बच्चे होते हैं सबके साथ ऐसा ही होता है, आप जितना भी चीज़ें सेट कर लीजिए बच्चे ख़राब कर ही देते हैं। और यहाँ पर आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ राजमा चावल। तो यहाँ मैंने मसाले की तैयारी करके रख दी है, थोड़ा सा आलू काट के रख दिया है और यहाँ पे मैंने राजमा उबाल के रख दिए हैं। मेरे यहाँ पे अक्सर जब भी राजमा बनता है तो उसमें आलू डालते हैं, तो यहाँ पे मैंने मसाला भी पीस लिया है और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। इसके बाद मैंने डाला है जीरा और जब जीरा अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, बहुत बेसिक से मसाले डाल के बनाती हूँ राजमा, और जो मैंने मसाला पीसा था वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ, इससे अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। और अब मैं मसाले को तब तक भूनूंगी जब तक कि इसका तेल साइड से निकलने ना लग जाए। और जब तक मसाला भून रहा है यहाँ पे मैं चावल की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल धुल दिए हैं और एक कुकर में मैं यहाँ चावल चढ़ा दे रही हूँ और यहाँ साइड में मसाला भुनता रहेगा तब तक, तो दोनों चीज़ें साथ में ही बन जाएंगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा खाना बनने में क्योंकि राजमा भी उबले हुए हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, नमक मैंने कम डाला है क्योंकि राजमा उबालते वक्त मैंने उसमें भी नमक डाला था, तो नमक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम डाला है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे यहाँ पे कुकीज़ बॉक्स आया था, तो यहाँ पे सारे कुकीज़ ख़त्म हो गए, बिस्किट ख़त्म हो गए, तो ये जो बॉक्स बचा है इसमें मैंने धनिया धुल के स्टोर कर दिया है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में जो भी चीज़ें आती हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके ऑर्गेनाइज़र आप ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से परचेज़ करें, घर में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अगर हम चाहें तो उसको इस्तेमाल करके एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं धनिया एकदम फ्रेश बना हुआ है। तो यहाँ पे मसाला भी भुन चुका है, अब इसमें बस मुझे राजमा डालना है और आलू डालना है। तो मैंने आलू कट करके रखे थे ये डाल दूँगी। आप चाहें तो आलू इसी तरीके से पका कर ऐसी ही सब्ज़ी खा सकते हैं सूखी वाली, ये भी बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप पराठे या पूड़ी के साथ खाना चाहते हैं तो ये थोड़ी हल्की ग्रेवी वाली सूखी सी सब्ज़ी आलू की बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ मैंने तेज़पत्ता निकाल दिया है राजमा में से और राजमा उबले हुए हैं तो बहुत ही जल्दी पक जाएंगे। अब बस मैं इसे बिल्कुल स्लो गैस पर 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी जिससे कि आलू पक जाए, राजमा पके हुए हैं तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे और अच्छे से पक जाएंगे। और यहाँ मैंने धनिया भी काट के रख दिया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि राजमा बन गया है। तो मैं यहाँ पे चम्मच से थोड़ा सा कट करके देख लूँगी आलू को कि आलू पका है या नहीं, और उसके बाद मैं इसमें धनिया डाल दूँगी। तो यहाँ पर राजमा चावल बन चुके हैं, तो यहाँ पे मैं राजमा में बस एक चम्मच घी डाल दे रही हूँ जिससे कि अगर हल्का सा भी तीखा होगा तो कृष्णा को खाने में तीखा नहीं लगेगा। और यहाँ पे कृष्णा खेल रहा है तो मैंने उसको बोल दिया है कि वो अपने हैंड वॉश कर ले और खाना खाने के लिए बैठ जाए। तो यहाँ पे मैंने राजमा चावल कृष्णा के लिए लगा कर दे दिया है और राजमा चावल उसका फेवरेट है, तो यहाँ कृष्णा ने टॉवल भी लगा लिया है जिससे कि खाना बिल्कुल भी उसके ऊपर गिरे नहीं और वो अच्छे से खाना खा पाए। तो यहाँ पे कृष्णा ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे लंच लगा लिया है, ये है मेरी प्लेट और यहाँ पे कृष्णा भी खा रहा है राजमा चावल। कैसा बना है? टेस्टी है? Yes. अच्छे से फिनिश करना खाना। गुड बाय। आई होप आपने इस ब्लॉग को इंजॉय किया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है, पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन दे रखा है उसे भी प्रेस कीजिएगा जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरे सारे वीडियो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।